हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जबरदस्त टैक्टिक वाली एक पोजीशन। यहाँ पे आपके सामने जो पोजीशन है दोस्तों, वाइड टू मूव है। आप कैलकुलेट करके खुद भी इसमें सोच सकते हो कि क्या क्या मूव फोर्सेस है। कभी भी जब टैक्टिक यूज करना है तो फोर्स मूव खास पहले ढूंढना है। इसमें वाइट ऑलरेडी एक पीस डाउन है और नाइट डाउन है, लेकिन फिर भी पोजिशन वाइट के फेवर में है। दो कनेक्टेड पॉन जो C6 और D5 पे वाइट के पॉन है, यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑफर आपको दिख रहा है तुरंत कि जैसे कि क्वीन यहाँ पे अटैक कर रहा है और एक्स्ट्रा अटैक आपका रुक के ऊपर है, तो बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट हम चॉइस करेंगे रुक टेक्स G5। पॉन टेक्स रुक पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन F8 बहुत ही डेंजर मूव है, चेकमेट वाली मूव। तो यहाँ पे फोर्स मूव है किंग F7। किंग H8 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन F8 चेकमेट आ रहा है। किंग F7 के बाद अब यहां रुक सैक्रिफाइस आफ्टर रुक F6। किंग टेक्स F6, ये भी फोर्स मूव है। क्वीन F8 चेक, किंग टेक्स G5 और H4 10। कैसे 10 है आप देख सकते हो कि आफ्टर किंग टेक्स पॉन सिंपली क्वीन F4 चेकमेट है। अगर किंग जैसे कि लाइक G6 जाता है तो नाइट फोर्स से आपको रुक भी मिल रहा है और सिंपल और भी अटैकिंग में है। आई थिंक नाइट F4 सिंपल चेकमेट है दोस्तों। ये पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक के क्वीन इज अंडर अटैक। यहाँ पे ट्राई करो सोचने का कि कौन से बेस्ट मूव है। यहाँ पे क्वीन सेव करना या काउंटर अटैक। अगर आप क्वीन सेव करते हो, क्वीन C7 लाइक ओनली मूव है आई थिंक, और यहाँ पे क्वीन C7 में क्वीन टेक C3 और फिर सिंपली ब्लैक विल लॉस हिज मटेरियल, तो काउंटर अटैक कौन सा होना चाहिए, बेस्ट काउंटर अटैक। वाइट का किंग डिस्टर्ब भी है तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। बिशप E6 इज ए बेस्ट ऑप्शन ही है। अब तीन ऑप्शन है वाइट के पास, क्वीन टेक C3, देन बिशप टेक E6 और बिशप टेक B6, क्वीन सैक्रिफाइस। देखते आफ्टर बिशप टेक B6 यहाँ पे विंड मिल, जो आपने पहले सोच समझा होगा, कहीं देखा होगा विंड मिल्स, यानी चेक देन डिस्कवर चेक देन फॉलो बाय चेक डिस्कवर चेक की जो सीरीज ऑफ चेक्स है उसे विंड मिल कहते हैं। इसमें वाइट विंड मिल में फंस जाएगा और सारे पीसीस लॉस हो जाएगा। बिशप टेक C4 फर्स्ट चेक, किंग G1 ओनली मूव, देन नाइट E2 चेक, किंग F1, देन नाइट टेक D4 डिस्कवर चेक बाय बिशप, आफ्टर किंग G1 अगेन नाइट E2 चेक, फोर्स मूव किंग F1, देन नाइट C3 चेक, किंग G1, देन पॉन टेक्स बिशप। अब क्वीन पे डिस्कवर्ड अटैक भी है, क्वीन B4 और रुक A4। उसके बाद क्वीन टेक्स B6, देन नाइट टेक्स रुक, और ये पोजीशन कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में है। भले ही ब्लैक क्वीन डाउन है लेकिन मटेरियल एडवांटेज ब्लैक के पास ज्यादा है और इस गेम में वाइट का बचना जैसे कि नामुमकिन है। हम इसमें देखते हैं और भी ऑप्शन। अगर इस पोजीशन में जब बिशप E6 हमने खेला है तो विंडमिल से बचने के लिए वाइट क्या कर सकता है, लेकिन सारे मूव्स वाइट के लॉसेस है क्योंकि क्वीन टेक C3 अगर किया तो सिंपली क्वीन टेक C5 और मटेरियल एडवांटेज आपको मिलेगा। बिशप E6 एक और ऑप्शन है, बिशप E6। इसमें सिंपल मेट आ रही है, क्वीन B5 चेक, किंग G1 फोर्स है क्योंकि किंग E1 में क्वीन E2 चेकमेट है, नाइट E2 चेक, देन किंग F1, देन डबल चेक, अगेन किंग G1 फोर्स मूव, क्वीन सैक्रिफाइस, रुक टेक्स क्वीन, देन नाइट E2 चेकमेट है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विनिंग की हुई पोजीशन है। चलिए दोस्तों, अब एक ऐसे गेम देखते हैं, सैक्रिफाइस वाले फ्रेंच डिफेंस की गेम है, बहुत ही ब्रिलियंट। इस फ्रेंच डिफेंस जो ओपनिंग है, इस वेरिएशन का नाम है
मैकुचन वेरिएशन, और जैसे वो विनावर वेरिएशन है उसमें से कन्वर्ट होता है। और तो शुरू करते हैं, फ्रेंच डिफेंस बहुत ही बढ़िया लाइन है। E4 E6 D4 D5 NC3 ये विनावर वेरिएशन है। नाइट F6 देन बिशप G5 और BB4 यहाँ वेरिएशन चेंज होता है। हालांकि आपको ये ट्राई नहीं करना है BB4 वाला वेरिएशन, क्योंकि हाल के जो सिचुएशन है इस प्रकार ये बहुत ही पुअर माना जाता है। लेकिन ये पुरानी गेम है इसलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे E5 किया है वाइट ने, H6 काउंटर अटैक बिशप D2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एफ टेक्स नाइट मारता है तो सामने काउंटर में बिशप भी मिल रहा है और बाद में ब्लैक काफी फेवर में पोजीशन में आ जाएगी। बिशप D2 के बाद बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, देन नाइट E4 सेंट्रलाइज नाइट किया है। क्वीन G4 विनावर में ऐसे ही अटैक होता है ज्यादातर क्वीन G4 वाला। और यहाँ पे G6 करके सिंपली डिफेंस, बिशप D3 आपके नाइट के ऊपर दो दो अटैक है, सिंपली नाइट टेक्स D2। और यहाँ पे व्हाइट का कैसल ब्रेक हो गया, तुरंत ही कैसल ब्रेक हो रहा है। लेकिन व्हाइट सेंटर में कभी कभी खेल सकता है किंग टेक्स D2, लेकिन बहुत डेंजर है यहाँ C5, तुरंत ब्लैक को ओपन करने का चांस मिल रहा है। नाइट F3 नाइट C6 देन रुक B1, ये एक मिस्टेक वाली मूव है। इस मिस्टेक की वजह से व्हाइट लॉस हो गया है। रुक HB1 के बजाय RA B1 वॉज बेटर। क्वीन C7 क्वीन H5 आइडिया बिहाइंड दिस मूव। क्वीन F6 BD7 क्वीन F6 देन रुक G8 H4 रुक C8 H5 पॉन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स H6 पॉन टेक्स पॉन, और यहाँ ब्रिलियंट सेक्रीफाइस नाइट टेक्स पॉन, नाइट टेक्स नाइट क्वीन C3, और आपको डबल H से नाइट मिल रहा है। लेकिन किंग E3 नाइट को सेव कर सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नाइट सेव नहीं रहेगा। यहाँ पे रुक C4 क्वीन से सपोर्ट किया और रुक G4 नाइट ने काउंटर अटैक किया क्वीन पे, लेकिन रुक E4 और यहाँ पे वाइट रिजाइन। आफ्टर क्वीन टेक्स E4 देन रुक टेक्स अगेन E4, और चेक के साथ उसकी क्वीन लॉस हो रही है और ब्लैक अपनी क्वीन बाद में सेव कर सकता है आसानी से। तो बहुत ही ब्रिलियंट गेम थी, ओल्ड गेम है पुरानी। फ्रेंच डिफेंस में विनावर खेलना वाइट वाइट के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है दोस्तों, विनावर वेरिएशन। लेकिन अब ज़्यादातर फ्रेंच डिफेंस भी बहुत कम लोग खेलते हैं। E4 अगेंस्ट ज़्यादातर फेमस जो है वो सिसिलियन ओपनिंग है, और E5 ये बहुत ही E5 जो स्टार्टिंग से दोनों साइड से अटैक वाली ओपनिंग है। मैंने E4 E5 के बारे में बहुत सारी वीडियो बना के मेरे चैनल में अपलोड कर दी है, आप पहले वाले वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी ओपनिंग सीखने को मिलेगी। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ अटैक इन चेस। आप भी डाउनलोड करके इसमें बहुत सारे वेरिएशन सीख सकते हो। दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया आपको बताने वाला हूँ कि कैसलिंग कब किया जाता है, कैसलिंग कब करना जरूरी है, बिगिनर्स लेवल के अलग है और एडवांस लेवल के प्लेयर के लिए अलग है। कैसा कैसलिंग होना चाहिए, कई बार आर्टिफिशियल कैसलिंग, कई बार नॉर्मल कैसलिंग, या कई बार लॉन्ग कैसलिंग, किस प्रकार के कैसलिंग कौन सी गेम में किए जाते हैं, करना जरूरी है, उसके बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।